गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी में पाए जाने वाले अंडे देने वाले स्तनधारियों मैमल्स अपने से मिलते जुलते, अपने से थोड़े से सरल प्रकार के स्तनधारी प्राणियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रोटोथीरिया या इसके अंदर एक ही क्लास है मोनोट्रिमेटा, इसका पार्ट फर्स्ट, इसके दो पार्ट बनेंगे। एक पार्ट का वीडियो मैं आज बनाकर के आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर गौर से अगर एक बार सुन लिया तो कोई कठिनाई नहीं होगी, और नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। द प्रोटोथीरिया और मोनोट्रिमेटा, प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव, थर मीन्स ब्रेस्ट बियरिंग एनिमल्स, यानी ये प्रिमिटिव ब्रेस्ट बियरिंग एनिमल्स होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, ट्रिमा मीन्स ओपनिंग, एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मोनोट्रिमेटा वर्ड इज मेडअप ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स, यानी मोनो मीन्स सिंगल, ट्रिमा मीन्स ओपनिंग या होल, प्लस एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें एक छिद्र उपस्थित होता है, दैट इज नेजल पैसेज। इज ए प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एग लेइंग मैमल्स, ये अंडे देने वाले सरल स्तनधारी प्राणियों का एक समूह है। स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ इट्स फाइलोजेनेटिक ट्री, जब अपन मैमल्स या स्तनधारियों का फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ मैमल्स पढ़ते हैं, तो उनके एकदम नीचे अधर सतह पे यानी एकदम बिलो निम्नतर स्तर पर स्थिर होते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री में। प्रेजेंटली देर आर ओनली टू लिविंग जीनेरा, वर्तमान में इसके दो ही वंश जीवित हैं, बाकी के सभी विलुप्त हो गए हैं। बट यहाँ बताना आपको उचित ही होगा कि ये जंतु भारतवर्ष में नहीं पाए जाते, ये स्तनधारी भारतवर्ष में नहीं पाए जाते, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के अंदर सबसे ज़्यादा बहुतायत रूप से पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्लेटिपस, जिसको डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं। बत्तख की जैसी चोंच वाला इसमें नूथन पाया जाता है आगे की तरफ। और थर्ड नेम है ऑर्निथोरिंकस। सेकंड है स्पिनी आंट ईटर, चींटी खोरा है, आंट ईटर है, लेकिन बाल कांटों में रूपांतरित हो गए, इसलिए बोलते हैं स्पिनी आंट ईटर्स, यानी स्पाइन्स, एक्सोस्केलेटन के अंदर जो हेयर्स अभी किस रूप में विद्यमान हैं, स्पाइन्स के रूप में हैं और चींटियों को खाते हैं, इसलिए इनको कंटिका युक्त या कंटिकाएं युक्त चींटी खोरा कहते हैं, या इसका नाम है एकिडना, या तीसरा नाम है टेकीग्लॉसस। Now we are going to study generalized character of Prototheria, यानी इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट लिया हैबिट एंड हैबिटाट, आवास क्या है और क्या स्वभाव है। स्वभाव तो ये कार्निवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाले होते हैं। जैसे आंट आई है, चींटी आई है, तो वो भी अपने आप में एक सुपरिचित इंसेक्ट है। इंसेक्ट वो जो हेक्सापोड होते हैं,
जिनमें पादों की संख्या, लेग्स की संख्या 3 pairs होती है, यानी 6 होती है। बट हैबिटेट क्या होगी? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, बट बर्रोविंग मैमल्स होते हैं, बिलों में रहने वाले ये प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में अपन ने 7 points का अध्ययन करने जा रहे हैं। बॉडी स्मॉल, बॉडी छोटी होती है। इन प्लेटिपस बॉडी कवरिंग इज ऑफ शॉर्ट फर, फर का मतलब है रोवा या सॉफ्ट या मुलायम बाल जैसे रूप, जैसे हैट आती है, टोपी आती है, स्पर युक्त होती है, मुलायम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो टोपी ओढ़ने के काम में आती है सर्दियों के अंदर। बॉडी कवरिंग इज ऑफ शॉर्ट फर, प्लेटिपस के अंदर बॉडी फर के, फर्स के द्वारा या फर के द्वारा घिरी हुई। बट इन एकिडना, एकिडना के अंदर बॉडी इज कवर्ड बाई फर एंड स्पाइन्स, इनमें स्पाइन्स के बीच में फर पाए जाते हैं, इसलिए एकिडना की बॉडी फर और स्पाइन्स दोनों द्वारा घिरी हुई होती है। एक्सटर्नल ईयर या पिना, ये देखिए बाहर वाला, मेरी तरफ चित्र में मेरे तरफ देखिए बाहर, दिस इज पिन्ना, अब्सेंट होगा। मेमरी ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड, स्वीट ग्लैंड विदाउट टीड्स, यानी मेमरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो पसीना ग्रंथियां या श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होती हैं, उससे मॉडिफाई हो जाती हैं श्वेत ग्रंथियां या स्वीट ग्लैंड से मेमरी ग्लैंड्स बनती हैं, लेकिन मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर टीट्स या चुचुक नहीं पाए जाते, चुचुक रहित स्तन ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं। मेल हैज ए परफोरेटेड हॉर्नी स्पर ऑन द इनर साइड ऑफ द ईच हैंड लेग, पश्च दोनों हैंड लेग जो होती हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले जो स्पर होते हैं वो हॉर्नी खुरदरे होते हैं और छिद्रित होते हैं, बट प्रत्येक टांग के भीतरी यानी बॉडी के साइड की तरफ, इनर बॉडी की साइड के अंदर, अंदर की तरफ ये स्थित होते हैं। बट ओनली इन मेल, नर में ही होता है ऐसा। टेल शॉर्ट ब्रॉड एंड रूडिमेंट्री, टेल छोटी होगी, चौड़ी होगी या अवशेषी होगी। प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, इनमें एनएस के स्थान पर क्लोएका पाया जाता है। दीज आर दी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्रोटोथीरिया या मोनोट्रीमेटा। देन राइट हैंड साइड में कर्सर पेन के साथ चलिए, एक स्केलेटन पढ़ने जा रहे हैं स्कल के बारे में। स्कल का पहला पॉइंट है स्कल विद डबल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड विदाउट डिस्टिंक्ट सचर्स। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2, बहुत बार बता चुका हूं बहुत सारे वीडियोस के अंदर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या होते हैं, और दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में स्पष्ट रूप से कोई दरार या खांच नहीं पाई जाती। विदाउट डिस्टिंक्ट सचर्स, कोई दरारें स्पष्ट रूप से विभेदित करती हुई, बांटती हुई दिखाई नहीं देती हैं। इन टेम्पोरल रीजन, टेम्पोरल रीजन खोपड़ी का कौन सा होता है? पोस्टीरियर या डोर्सो पोस्टीरो लेटरल पार्ट ऑफ द स्कल, पीछे वाला, ये पृष्ठ साइड साइड। मेरे फोटो में मेरी तरफ देखिए, मैं मेरे शरीर के स्कल के ऊपर, हेड के ऊपर हाथ लगा करके बता रहा हूँ। ये है डोर्सल और ये है पोस्टीरियो, बट दिस इज लेटरल पोजिशन। यहाँ ये टेम्पोरल रीजन होता है। इन टेम्पोरल रीजन ए कैनाल इज प्रेजेंट, एक नाल पाई जाती है विच इज रिप्रेजेंट द टेम्पोरल फॉसा ऑफ एनएफसिड रेप्टाइल्स। ये क्या प्रदर्शित करती है कि एनएफसिड में पाए जाने वाला
एक टेम्पोरल में पाए जाने वाला एक छिद्र है। ये नाल क्या प्रदर्शित कर रही है? क्योंकि अपने रेप्टिलिया का जब वर्गीकरण किया था, ओरिजिन पढ़ा था, तब अपने एनेप्सिडा, डायप्सिडा, पेरेप्सिडा, सिनेप्सिडा, तो ये रेप्टिलिया में पाए जाने वाले टेम्पोरल रीजन में पाए जाने वाले ही एक टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल छिद्र के समरूप होता है। ईच मैंडिबल लोअर जा इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल डेंट्री बोन। किसका बना हुआ है? एक डेंट्री बोन का बना हुआ है। एंड एलेज या चौथा पॉइंट को ध्यान से देखना, एंड एलिस्पिनोइड इज अब्सेंट। व्हाट इज एलिस्पिनोइड? विंग लाइक कार्टिलेजियस बोन होती है जो मैमल्स में पाई जाती है, और आइज के लिए सॉकेट्स का, ये जिसमें आंखें जाकर के फिट होती हैं, उनका निर्माण करती हैं। कौन सी बोन के द्वारा होता है ये? एलिस्फिनोइड बट अब्सेंट होगी। टिम्पेनिक बुला, ऑडिटरी बुला भी कहते हैं इसको, अब्सेंट। मेलियस एंड इनकस आर लार्जर, यानी मिडल ईयर में पाए जाने वाली मेलियस, इनकस और स्टेपिस तीन हड्डियां जो होती हैं, उनमें से मेलियस और इनकस हड्डियां बड़ी होती हैं, लार्जर होती हैं, बट टिम्पेनिक बुला ऑडिटरी बुला होती है, और इट इज होलो बोनी स्ट्रक्चर ऑन द वेंट्रल पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल में पाई जाती है, और ये मिडल और इनर ईयर, मध्यकरण और अंतःकरण, मिडल ईयर और इनर ईयर के कुछ पार्ट्स को इनक्लोज करती है। टिम्पेनिक बुला, या इसको ऑडिटरी बुला भी बोलते हैं, क्योंकि ये सुनने में मदद करता है। इन मोनोट्रीम्स एडल्ट आर टूथलेस, वयस्कों में दांत नहीं पाए जाते, वयस्क दंत विहीन होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड डेंटिशन प्रेजेंट ओनली यंग वंस, जबकि इनके शिशुओं में विभिन्न प्रकार के विभेदित दंत विन्यास पाया जाता है, जैसे इंसाइजर ऊपरी जबड़े पर अनुपस्थित, निचले जबड़े पर 5, कैनाइन ऊपरी और निचले जबड़े पर 1-1, प्रीमोलर 2-2, चाहे ऊपरी जबड़ा हो चाहे निचला जबड़ा हो, मोलर ऊपरी जबड़े पर भी 3, निचले जबड़े पर भी 3, दोनों साइड में। बट एट अबाउट 11 वीक्स, लेकिन यंग मंस जब 11 सप्ताहों का हो जाता है, 11 वीक्स स्टेज, ऑल द टीथ डिसअपीयर्स, लगभग सभी दांत डिसअपीयर हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, एक्सेप्ट शिवाय 2 इन अपर जा एंड 3 इन लोअर जा। सिर्फ 2 दांत तो पाए जाते हैं ऊपरी जबड़े पर, और 3 दांत पाए जाते हैं लोअर जा पर। These teeth also become gradually extinct. ये दांत भी धीरे धीरे वयस्क बनते बनते लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट अराइजेज इन प्लेस ऑफ द टीथ। अब दांतों के स्थान के ऊपर क्या बन गई? एक सरंगी एपिडर्मिस की बनी हुई प्लेट बन गई, विच इज यूज फॉर ब्रेक द सेल ऑफ द मोलस्कस, जो किस काम में आती है? मोलस्का के जो कवच होते हैं उनको ये भोजन के रूप में लेते हैं, उनको तोड़ने में, काटने में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए ये काम में लेती हैं। किसको? हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट को, क्योंकि दांत तो इनमें पाए नहीं जाते, अनुपस्थित होते हैं। किसमें? एडल्ट स्टेज में। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री पढ़ने जा रहे हैं, और वर्टिब्रम या वर्टिब्रा की मुख्य बॉडी का नाम होता है सेंट्रम, और सेंट्रम मैमल्स के अंदर आपने देखा होगा दोनों तरफ से एम्फीप्लेटियन होता है, दोनों तरफ से चपटा होता है,
ने प्रोसिलस होता, ने एम्फीसिलस होता, ने हेटेरोसिलस होता। एम्फी मीन्स बॉर, प्लेटिस मीन्स प्लेट, दोनों तरफ से सेंट्रम का अग्र भाग और पश्च भाग दोनों तरफ सेंट्रम चपटा होगा। मैन बॉडी ऑफ वर्टिब्री इज सेंट्रम, वर्टिब्री का मुख्य भाग जो होता है, कशेरुकों का मुख्य भाग को बोलते हैं सेंट्रम। विदाउट ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंटीरियर पोस्टीरियर और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस, ऐसी संरचनाएं न्यूरल कैनाल, न्यूरल स्पाइन इत्यादि संरचनाएं एक वर्टिब्री, एक वर्टिब्रा में पाई जाती हैं। लेकिन इनमें पाए जाने वाले जो वर्टिब्री होती हैं, या एक वर्टिब्रा जाकर लेंगे तो उसके अंदर अनुप्रस्थ प्रवर्धों का अभाव होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस का, प्रोसेसेस का अभाव होगा। और सेंट्रम इज फ्लैट, सेंट्रम चपटा होगा, न आगे गड्ढा न पीछे गड्ढा, न उभरा हुआ न, और इसको एम्फीप्लेटियन कहते हैं। सर्वाइकल रीजन विद टिपिकल 7 वर्टिब्री, सर्वाइकल रीजन या गर्दन वाले प्रदेश के अंदर पाए जाने वाली सभी वर्टिब्री समरूपी होती हैं, एक ही जैसी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री, जिनकी संख्या 7 होती है। लंबर रीजन में पाए जाने वाले वर्टिब्री, लंबर रीजन में पाए जाने वाली वर्टिब्रीज की संख्या 3 से 4 तक तो प्लेटिपस में होती है और 2 एकेडना में होती है। रिब्स पसलियां, अपने देखिए ये यहां से पसलियां निकल रही हैं, कुछ फ्लोटिंग होती हैं, कुछ जाकर के बैकबोन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। रिब्स आर सिंगल हेडेड, एक तरफ एक रिब्स के ऊपर, एक सिरे के ऊपर हेड या राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हेड बोलते हैं, सिंगल हेड होगा। सर्वाइकल रिब्स रिड्यूस्ड एंड फ्री फ्रॉम वर्टिब्री, सर्वाइकल रीजन में पाए जाने वाली जो वर्टिब्री होती हैं वो या तो राशित हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, या स्वतंत्र होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होती। देन गर्डल्स, गर्डल्स 2 प्रकार की हैं, आगे वाले अग्रपाद वाली, अग्रपादों के पास में पाए जाने वाली पेक्टोरल गर्डल जो कोराकोइड, प्री कोराकोइड स्केपुला की बनी हुई है, और जिसमें हैंड का हुमरस बोन जो होती है उसका हेड जाकर के फिट होता है, और उसके साथ में ये क्लेविकल और एक इंटरक्लेविकल, ये रचनाएं भी पेक्टोरल गर्डल की संरचनाएं हैं। और इलियम, इशियम और पिबिस नामक जो रचनाएं हैं वो पश्च हैंड लिम्स के पास में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं वो मिलकर के पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है, और पेल्विक गर्डल के अंदर फुट की फीमर का हेड जाकर के फिट होता है। देखो इन पेक्टोरल गर्डल सेपरेट क्लेविकल्स एंड ए मीडियन टी सेप्ट इंटरक्लेविकल प्रेजेंट। पेक्टोरल गर्डल के अंदर दो क्लेविकल्स होते हैं, वो पृथक पृथक होते हैं, और उनके बीच में, उनके दोनों के बीच में एक टी की आकृति की टी सेप्ड इंटरक्लेविकल उपस्थित होती है। देयर आर 2 मेन प्रोसेसेस ऑफ कोराकोइड, जिसमें से एक प्री कोराकोइड के ऊपर होगा और एक कोराकोइड खुद के ऊपर होगा। नो स्पाइन ऑन स्केपुला, स्केपुला के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रोसेस या स्पाइन नहीं पाया जाता। इस्चिया या पुबिस आर फ्यूज्ड एट ए वेंट्रल सिम्फाइसिस। अब इलियम, इस्चियम और पुबिस का बना हुआ पेल्विक गर्डल होती है, लेकिन यहां पर बताया है सिर्फ इस्चिया एंड प्यूबिस आर फ्यूज्ड एट ए वेंट्रल सिम्फाइसिस। अब ये सिम्फाइसिस क्या है, यानी इस्चिया और प्यूबिस दोनों हड्डियां जो होती हैं वो अधर सतह पर जाकर के जुड़ जाती हैं एक जॉइंट के द्वारा। सिम्फाइसिस ए जॉइंट मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और लेफ्ट और राइट जो प्यूबिक बोन्स होते हैं उनके बीच में स्थित होता है, नियर द मिडल ऑफ द बॉडी। इट इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये द्वितीयक उपास्थिल संधि या जॉइंट होता है, यानी जन्म के समय ये नहीं बनता, बाद में बनता है, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। दिस इज सिम्फाइसिस।
एपी प्यूबिक बोन्स आर प्रेजेंट प्यूबिक, जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर एपी प्यूबिक बोन्स उपस्थित होती हैं। डायफ्राम, अब डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है और बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स के रूप में साइड टू साइड स्थित होती है, जो बॉडी कैविटी को दो भागों में अपर भाग की थोरेसिक कैविटी और निचली लोअर पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उसके अंदर दो भागों में विभेदन करने का, बांटने का कार्य करना डायफ्राम का कार्य है। ए मस्कुलर हॉरिजॉन्टल डायफ्राम सेपरेट द बॉडी कैविटी इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, अपर इज थोरेसिक एंड लोअर इज एब्डोमिनल कैविटीज, अपर इज थोरेसिक कैविटी और लोअर इज एब्डोमिनल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन के अंदर सीकम उपस्थित होती है, लीवर सामान्यतः जैसा स्तनधारियों में पाया जाता है वैसा ही होता है। नेक्स्ट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि आपके समझ में नहीं आए, बड़ा सरल है, लेकिन क्या है कि ध्यान से सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है। अब पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय के अंदर कक्षों की संख्या 4 फोर चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ओरिकल या एट्रियम या 2 वेंट्रिकल, इसका मतलब हृदय के अंदर कक्षों की संख्या 4। राइट ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व इज इनकम्प्लीट एंड मस्कुलर, राइट साइड में पाए जाने वाले आलिंद और नीले के बीच में, ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला जो वाल्व कपाट होता है वो अपूर्ण होता है और पेशीय संरचना, लेकिन वो भी मसल संरचना का बना हुआ होता है। कॉर्डी टेंडिनी आर अब्सेंट, अगर होती तो कॉर्डी टेंडिनी होती क्या है, कॉर्डी टेंडिनी टेंडेंसी होती है, यानी टेंडम रिजेंबलिंग फाइबरस कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं पेपलरी मसल्स टू द ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व इन द हार्ट, लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व पाया जाता है, राइट हार्ट में राइट साइड में राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो ये कॉर्डा टेंडिनी अब्सेंट होती है इनमें। परसिस्टेंस ऑफ ए सिंगल आर्टिक आर्क बट लेफ्ट, ये आर्टिक आर्क क्या है, आर्क का मतलब यूं समझिए कि कोई न कोई ऐसी रिवर्स या इन्वर्टेड यू जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन आर्क बोलते हैं, यानी यूं इस संरचना को आर्क बोलेंगे ऊपर वाली को, इसका मतलब इसमें एक भुजा असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ बढ़ती है, एक फिर डिसेंडिंग नीचे की ओर बढ़ती है और वहां जो गोलाई आती है, यानी यूं कोई चीज चली और यूं आती है तो ऊपर आर्क बन गया, ये आर्टिक आर्च आर्क है। अब आर्टिक आर्क, इट इज द पोर्शन ऑफ मेन आर्टरी दैट बैंड्स बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आओटा, और ये हृदय से निकल करके पहले ऊपर की तरफ चढ़ता है, असेंड्स होता है, देन डिसेंड्स और बैक टू क्रिएट द आर्क, जब असेंड होकर के डिसेंड की तरफ होता है तो एक वहां आर्क का निर्माण होता है। द आओटा या महाधमनी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल से सूर्य शरीर में रुधिर को वितरित करने का कार्य करती है। यह है सिंगल आर्टिक आर्क, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला आर्टिक आर्क नहीं पाया जाता। Absence of renal portal system, वर्क निवाही का तंत्र अनुपस्थित,
इम्परफेक्टली वार्म ब्लडेड, यानी ये पूर्णतया नियत तापी नहीं होते, आंशिक रूप से नियत तापी होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशंस फ्रॉम 10 टू 12 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री तक इनकी बॉडी का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स कवर्ड विद प्लूरा, प्लूरा का मतलब टू प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स के चारों तरफ पाए जाने वाली दो झिल्लियां होती हैं उनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, मैंने लिख दिया विद प्लूरा। रेस्पिरेशन इज टिपिकल मेमेलियन प्रेशर पंप लाइक, वही इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है, सेम एज दोज एज एनी अदर मेमल्स, वेल डेवलप्ड मेमल्स जैसे मिलता जुलता हुआ श्वसन संपन्न होता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन विदाउट कॉर्पस कैलोसम, ब्रेन के अंदर कॉर्पस कैलोसम का अभाव होता है। कॉर्पस कैलोसम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दोनों को कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जोड़ने का कार्य करने वाली संरचना को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। लेकिन ऐसी संरचना दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो यहाँ उपस्थित हैं, कुंडलित हैं, स्मूथ हैं, चिकने हैं, मुलायम हैं, लेकिन नहीं। और ऑप्टिक लॉब्स की संख्या 4 होगी, चारों आपस में फ्यूज होकर के कॉर्पोरा, चारों चार मिलकर के आपस में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, ब्रेन विदाउट कॉर्पस कैलोसम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्मूथ, दोनों परमस्तिष्क गोलार्ध जो होते हैं वो चिकने होते हैं, कॉन्वोलेटेड सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी कुंडलित होते हैं, कॉन्वोलेटेड होते हैं। ब्रेन विद फोर ऑप्टिक लॉब्स फॉर्मिंग क्वाड्रिजेमिना या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेम आर बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही प्रकार की संरचनाएं हैं। क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रा मीन्स फोर, तो ऑप्टिक लॉब्स कितने हो गए, 4, 4 ऑप्टिक लॉब्स मिलकर के एक क्वाड्रिजेमिना का निर्माण कर लेते हैं। दिस इज नर्वस सिस्टम। देन सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स के अंदर कोकलिया पजेज इज लॉन्ग, लेजिना। अब कोकलिया क्या है, कोकलिया क्या है, कोकलिया कंटेन्स द स्पाइरल ऑर्गन ऑफ, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। कोकलिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुंडलित रूप से स्पाइरल संरचनाएं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाए जाते हैं। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं फॉर हियरिंग में, यानी सुनने में मदद करते हैं। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज मेड अप ऑफ टीनी हेयर सेल्स, और इनके अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूड होता है उससे वाइब्रेशन होकर के तरंगेज होती है, वो इंटरनल ईयर की तरफ चली जाती है। अब लेगिना आया, तो लेगिना तो एक सेकुलस इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसका एक्सटेंशन है, इंटरनल ईयर में पाए जाने वाले जो सेकुलस स्ट्रक्चर है उसमें अगर फैलाव हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लेजिना। तो कोकलिया पजेजेज लॉन्ग लेजिना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको पता है चालू हो गया था रेप्टिलिया एवेज मैमल्स आ रहा है, मेटानेपरी किडनी होगी सबसे जटिल प्रकार की किडनी। यूरेटर्स ओपन इनटू यूरोजेनिटल साइनस, यूरेटर्स दोनों तरफ से आकर के किस में खुलती है, एक साइनस में, एक शेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको यूरिनोजेनिटल साइनस कहते हैं, उसमें आकर के खुल रही है। देन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल अलग अलग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस आर एब्डोमिनल, यानी उदरी गुहा के अंदर पाए जाते हैं, अटैच टू द किडनी, जो किडनी के साथ में संलग्न या जुड़े हुए होते हैं या उनके सन्निकट होते हैं। पेनिस इज रिट्रेक्टाइल, रिट्रेक्टाइल का मतलब बहिर्वर्तनशील, आवश्यकता पड़ने पर सर बॉडी से बाहर निकल सकता है और न होने पर बॉडी के अंदर समाहित रहता है, दैट इज। और पेनिस इज कोपुलेटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन मेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे। सिंगल यूरिनोजेनिटल ओपनिंग, यूरिनोजेनिटल ओपनिंग मात्र एक ही होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में राइट ओवरी इज रिड्यूस्ड, ऑल ओनली लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, राइट ओवरी रिड्यूस हो जाती है, ह्रासित हो जाती है या लुप्त हो जाती है या रिड्यूमेंट्री हो जाती है।
पेयर्ड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू क्लोइका, दो अंडवाहिनी आकर के पृथक पृथक रूप से किस में खुल रही हैं, क्लोइका में, वेजाइना भी डबल डबल वेजाइना। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन पढ़ेंगे एग्स, अंडे देने वाले जंतु हैं, ओविपेरस हैं, शुरुआत में बता दिया। एग आर लार्ज एंड सराउंडेड इन ए थिक सेल, अंडे बड़े हैं, अंडे के अंदर योग की मात्रा, इनके अंडों के अंदर योग की मात्रा भी अत्यधिक होती है, और अंडों के अंदर योग की मात्रा अत्यधिक होती है तो क्लीवेज कैसा होगा, सेगमेंटेशन कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक अंश बंजी। तो दे आर ओविपेरस, जराई जो अंडज होते हैं, अंडप्रज होते हैं। एग्स आर लार्ज, अंडे बड़े होंगे, सराउंडेड इन ए थिक शेल, जो मोटे कवच द्वारा घिरे हुए होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ योक, योक की मात्रा अत्यधिक होगी। मीरोब्लास्टिक सेगमेंटेशन या क्लीवेज, अंश बंजी, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो एक तरफ एनिमल पॉल की तरफ चला गया, वेजिटल पॉल की तरफ पूरे पूरे के योग, अंडे के अंदर योग भरा हुआ है। देन लास्ट लिम्स, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोर लिम्स, दीज आर शॉर्ट, स्टॉट एंड क्लॉड इन स्पिनी एंटीटर। स्पिनी एंटीटर के अंदर छोटी होगी, मजबूत होगी और नखर युक्त होंगी, लेकिन प्लेटिपस में, बट इन प्लेटिपस दे आर वेब्ड फॉर स्विमिंग। प्लेटिपस के अंदर जाल युक्त होंगी, वेब युक्त होंगी, जाल पाया जाएगा बीच में, जो किस में मदद करेगा, चप्पुओं के रूप में पानी के अंदर तैरने के लिए मदद करते हैं। फॉर लिम्स, कौन सी फॉर लिम्स, हैंड लिम्स, इन हैंड लिम फिबुला एक्सटेंडेड एंटीरियरली इनटू ए प्रोसेस सिमिलर टू दी ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, रेडियो अल्ना तो फॉरलिम में पाई जाती है, लेकिन वहाँ एक ऊपर की तरफ यूं ओलिक्रोनेन प्रोसेस पाया जाता है, वैसी संरचना इसके हैंड लिम में पाई जाने वाली जो फिबुला होती है, फिबल होती है, ये दुर्बल हड्डी होती है। टीबियो फिबुला दो पश्चपाद में पाई जाने वाली हड्डी हैं, टीबिया स्टाउट होती है, फिबल फिबुला फिबल होती है, दुर्बल कमजोर होती है। फिबुला एक्सटेंडेड एंटीरियर इनटू एक प्रोसेस के अंदर रूपांत या फैल गई, जैसे अल्ना के अंदर एक ओलिक्रोनेन प्रोसेस पाया जाता है वैसे। तो ऐसी कोई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जो कि आपके समझ में नहीं आया हो, और रुचिकर अपने को इसलिए लग रहा है कि अपने भारतवर्ष में नहीं पाए जाते, विदेशों में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, और सर्व प्रकार के अपने से मिलते जुलते प्राणियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अपन ने अध्ययन पूरा कर लिया वॉल्यूम या पार्ट फर्स्ट का। किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे सुझाव दीजिए, वेलकम योर वैल्यूएबल सजेशंस। Thank you for watching my video.